माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कल हम सभी ने देखा सबका साथ सबका विकास वाला बजट, हमारे राजस्थान के एक बेहतरीन भविष्य के एहसास वाला बजट, एक ऐसा बजट जो उन्नति के तमाम आधार लिखेगा, एक बजट जिसमें हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिखेगा, एक बजट जिसमें बांध, नहर और नल तक के वादे हैं, एक बजट जिसमें जन समस्याओं के समाधान के इरादे हैं, एक बजट जिसमें बिजली, सोलर और जीएसएस के निर्माण समय हैं, जिसमें सड़क, पुल और एक्सप्रेस हाईवे के नए मार्ग बताए हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं, पूरे यातायात पर हमारा ध्यान है। मेट्रो और इतनी बसों की घोषणा उसी का परिणाम है। ये बजट बेहतर बनाएगा प्रदेश के हर एक बच्चे की शिक्षा, ये बजट बेहतर बनाएगा प्रदेश के हर एक बच्चे की शिक्षा, ये बजट बेहतर बनाएगा हर एक क्षेत्र की चिकित्सा। ये सरकार सुनिश्चित करेगी सारे बेहतरीन उपाय, देखना अब निखरेंगे ग्रामीण और शहरी निकाय। उद्योगों ने भी सुनी होगी कल कुछ बेहतर की आहट, जब टेक्सटाइल से मार्बल तक पहुँच रही थी राहत। बजट में वोकल फॉर लोकल को निखारने की बात थी, बजट में धरोहरों और संस्कृतियों को संवारने की बात थी, बजट में किसान एवं कृषि के उत्थान की बात थी, बजट में पर्यावरण के एक महाअभियान की बात थी, कुलगुरु की पदवी में गुरु और शिष्य की बात थी, बजट में खेलों में एक उज्जवल भविष्य की बात थी। सिर्फ एक बजट नहीं पेश कर रही थी हमारी सरकार, कल हम तो बना रहे थे एक स्वर्णिम प्रदेश का आधार। तो यकीन मानिए, जल्दी ही बेहतरीन परिणाम देखेंगे। अगले 5 साल में हम सभी एक श्रेष्ठम राजस्थान देखेंगे। जी हाँ, कल का बजट बिल्कुल एक श्रेष्ठम राजस्थान आधारशिला की तरह था, जिसमें प्रत्येक शब्द इसकी नींव को मजबूत कर रहा था कि हमारे जो 10 संकल्प हमारे 10 मजबूत पिलर की तरह लग रहे थे, जिन पर राजस्थान का निर्माण होगा। एक ऐसा राजस्थान जिसमें किसान, महिला व युवा प्रत्येक वर्ग के लिए एक बेहतरीन जीवन होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना ये उद्बोधन पहले ये चर्चा कुछ पंक्तियों के साथ पेश इसलिए करी क्योंकि इतना अच्छा बजट जिसके अंदर कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा, हर वर्ग के लिए सोचा गया, हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ इंक्लूड किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो जंगल राज था उससे मुक्ति पाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का जनादेश दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती है कि आने वाले 5 वर्षों में कुशासन से, इस पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से कुशासन हमारे इस प्रदेश में रहा उससे मुक्त कराएगी और विकसित राजस्थान की तरफ राजस्थान को बढ़ाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में भी भारतीय राजनीति ने एक इतिहास रचा है। इस इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लगातार 3री बार भारत को समर्थ भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदेश दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक युवा विधायक होने के नाते से इस सदन में 2री बार जनता के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी होकर एक बात जरूर पूछना चाहूँगी। हमारे सभी विपक्ष में बैठे हुए, मैं तो आदरणीय ही बोलूंगी, पर हमारे सभी विपक्ष में बैठे हुए साथीगण जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही संविधान को लेकर, बड़े बड़े प्रश्न उठाए कि संविधान का हम जिस तरीके से भ्रमित करने का, असत्य फैलाने का काम करा है कि भारतीय जनता पार्टी आते ही संविधान को बदल देगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी थी कि कांग्रेस की पार्टी थी जिन्होंने आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे पहले अगर संविधान को किसी ने कुचलने का काम किया है तो इनकी पार्टी ने करा है। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं संविधान को सुरक्षा देने की, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये वही पार्टी है जिसने संविधान को कदम कदम पर सिर्फ कुचलने का काम करा है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास भरी सोच का नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक नया आयाम क्रिएट किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब युवा पहले जब राजस्थान या जब भारत की बात आती थी तो जिस तरीके से विदेश के लोग हमारी तरफ नज़रें उठाकर देखते थे, आज उन लोग हमारे को सम्मान की नज़रों से देखते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के आयामों की वजह से हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप बात कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं जन कल्याण को एक मजबूरी के रूप में नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने के माध्यम के रूप में देखता हूं, और मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा था। इस वजह से हम तीसरी बार पूरी देश की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भी सुशासन और जन कल्याण की अवधारणा पर विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी जी ने भी अपने बजट वक्तव्य में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति निर्धारण की पहल और आम जन को राहत देने वाला बजट ही उनका लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से आखिरी बजट पेश किया गया था और इतनी सारी रेवड़ियां बांटने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने करा था, जनता ने उसी बात से समझ लिया था कि विकास से कोसों दूर है कांग्रेस की ये सरकार। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस बजट को हम अच्छे से देखें तो हमें इसमें क्लियर पता पड़ता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस राज्य को किस तरीके से प्रगति पे पहुंचाया जाए उसकी बात अगर किसी ने करी है तो इस बजट ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने वाले एक वर्ष में राजस्थान देखने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन, जिस तरीके के काम जल जीवन मिशन में हुए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा कि हर घर में नल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया है, काम पूरा नहीं होने दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में अगर डेटा निकाला जाए तो कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी जगह बातें कही, जल जीवन मिशन के जो कार्य होने चाहिए थे, जिस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी जगह इस तरीके के केसेस आपको मिलेंगे। मैं मेरी राजसमंद विधानसभा की भी बात करूं तो हमारे यहाँ पर 3 पंचायत है, कोटरी, काबरा, खड़बामनिया, जिसमें 17 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के द्वारा पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज तक भी 2 साल बाद टेंडर होने के बाद भी काम चालू नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मंत्री महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, कि उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द चालू करवाने के आदेश भी दे दिए हैं और काम चालू होने के वर्क ऑर्डर भी अगले 15 दिन में हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन में बहुत जगह इस तरीके के काम हुए कि बिना सोर्स डेवलपमेंट किए पाइपलाइन बिछ गई। पिछले 5 वर्ष में जिस तरीके से पाइपलाइन का काम करा गया, मैं जानती हूँ, मानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि जनता ने तो सच्चाई देख ली थी और इसलिए अब उन्हें भरोसा है कि काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में करके दिखाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो अपने संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में जो बिंदु लिखे थे, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगी कि उस घोषणा पत्र के करीबन 45 बिंदुओं पर कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, जिसमें हमने आचार संहिता का भी टाइम देखा। हमने जैसे ही सरकार बनी उसके 2 महीने बाद आचार संहिता लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन 45 बिंदुओं पर काम हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से अगर प्रमुखता से हम बात करें तो 450 रुपये में LPG सिलेंडर निर्धन परिवारों की महिलाओं को उपलब्ध कराने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने करा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को सम्मान निधि देने का काम, 2000 रुपये बढ़ाने का काम, अब किसानों के खाते में सीधे 8000 रुपये की जो राशि दी गई है, वो भजन लाल जी की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है।
अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 10,106 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर फसल ऋण को ब्याज मुक्त किया है। ये हमारी भजन लाल जी की सरकार ने करा है। इतना ही नहीं, इतने कम समय में, और ये कम समय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 महीने के अंदर करीबन 3 महीने तो आचार संहिता लगी रही, 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई। ये कार्य हमारी सरकार ने कर दिखाया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्तियों में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार ने करके दिखाया है। सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,150 रुपये देने का काम अगर किसी सरकार ने करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों को मानदेय 10% की बढ़ोतरी अगर किसी ने करी है तो हमारी सरकार ने करी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने करीबन 53,000 करोड़ की विभिन्न पेयजल योजनाओं को की घोषणा करी थी, जिसमें से एक भी काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। ये काम कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया है। करीबन 2,545 करोड़ रुपए के 759 करीबन 750 सड़कों के कार्य आज तक धरातल पर नहीं आए। ये झूठी घोषणा का काम अगर किसी ने करा है तो पुरानी सरकार ने करा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी झूठी घोषणाएं, थोटी घोषणाएं, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस सरकार करती आई है, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को आगे रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए डेवलपमेंट की बात करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट देने की बात कही। जिस तरीके से पिछली सरकार ने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हम, करीबन 2100 करोड़ करीबन MOUs की बात करें, पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ता की तो बात करी थी, उसके साथ साथ हमें ये पेपर दिया था जिसके अंदर करीबन 1,95,329 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोज करे थे। इस प्रदेश के युवाओं ने सोचा कि अब हमें इन इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे युवाओं ने सोचा कि अब हमें राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने प्रदेश में अपने परिवारों के बीच में रहकर हम काम कर सकेंगे। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगी कि इन इन्वेस्टमेंट्स की घोषणा में से सिर्फ और सिर्फ 15% MOUs कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट्स आया है, वरना किसी भी इन्वेस्टमेंट की कोई बात यहां पर नहीं हुई है। इस तरीके के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बात करी स्किल डेवलपमेंट की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, मार्बल इंडस्ट्री एक वहाँ पे प्रमुख उद्योग है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे को मार्बल मंडी दी, जिसकी हमारे यहाँ का उद्योग बढ़ेगा। लेकिन एक बात और कहूंगी, ये जो स्किल डेवलपमेंट, ये जो आपने कॉलेजेस की बात करी है, पॉलीटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेजेस, इन कॉलेजेस की वजह से मेरे यहाँ का युवा, इस प्रदेश का युवा अच्छी पढ़ाई कर यहाँ पर इन मार्बल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर आए दिन लेबर्स की अलग अलग जगह पर लोगों की जरूरत होती है, काम के लिए जरूरत होती है, वहाँ पर ये लोग आ सकेंगे और काम कर सकेंगे। आज का युवा सम्मान की रोटी चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का युवा ये नहीं चाहता कि घर बैठकर हमें कोई भत्ता मिले, हमें कोई बोले कि कोई बात नहीं, आप काम मत करो और आपको हम घर पर देंगे। आज का युवा सम्मान से पढ़ लिख इस देश को आगे बढ़ाने की सोच से, हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच से काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कही। उन्होंने ये कहा कि इन युवाओं को हम अलग अलग तरीके की स्किल्स में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स देंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे, जिसकी वजह से युवाओं को बेरोजगारी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और अलग अलग उनके लिए नए आयाम खुलेंगे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके सदन में लाना चाहूंगी कि विकसित राजस्थान के जो 10 संकल्प हमने लिए हैं, उसमें जो पहला संकल्प है जिसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 29,225 अरब रुपए की अर्थव्यवस्था
की हमने बात कही है, उस बात के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बजट के प्रारंभ में ही अमृत काल में विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को और इस प्रदेश को इतनी अच्छी सोच दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूरे सदन के सामने लाना चाहूंगी, जब हम ऋण की बात करते हैं, जब हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं, वर्ष 1950-51 से वर्ष 2017-18 तक अर्थात पिछले 67 वर्षों में राज्य सरकार का अगर कुल ऋण देखें और अन्य दायित्व देखें तो वो करीबन 2,81,182 करोड़ रुपए था, जबकि गत कांग्रेस सरकार ने इन 67 वर्षों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण लेकर केवल 5 वर्षों में ही इस ऋण का भार 2,89,79,463 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है। इस तरीके की कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में ही राज्य को ऋण के भार में डुबो दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स है मेरे पास, आई कैन प्रोवाइड इट ऑन द सदन, सब चीजें आएंगी रोहित जी, और आप जब बीच में आप बोलते हैं तो मैं आपको टोकती नहीं हूँ, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हम अपने बजट पे चर्चा रखें और आप अपने पॉइंट्स अपने समय पे रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके के ऋण जो लिए गए हैं, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके के ऋण जो लिए गए हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम पिछली सरकार ने करा है। वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार कुल ऋण एवं दायित्व 6,40,688,27 लाख रुपए होना अनुमानित है, जो GSDP का 35.97% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत कांग्रेस सरकार की एडॉक फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के फलस्वरूप में राज्य की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया था तथा राज्य को लगभग डेट ट्रैप की स्थिति में ले आए थे। हमारे पूर्व के नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ ने भी यहाँ पर बोला था कि किस तरीके से RBI ने इस बात की आलोचना करते हुए सरकार को लिखा है पत्र कि आप इस तरीके से भार प्रदेश पे नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सरकार ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लाते हुए, एक होलिस्टिक विचार रखते हुए आज जो GSDP की वृद्धि करी है, जब 2023 में दिसंबर 2023 में जो GSDP की थी, जो ग्रोथ रेट थी वो 11.58% थी, जिसको बढ़कर विद इन फोर मंथ्स मार्च 2024 तक 12.56% हो गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतने कम समय में इस ग्रोथ रेट में वृद्धि करी है, आपका बहुत बहुत आभार है इस बात के लिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बात बिजली को लेकर हुई, इस बिजली के लिए भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लाना चाहूँगी। गत सरकार में जब हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार थी 2014-15 में, तब डिस्कॉम में हमने प्रॉफिट में डिस्कॉम को छोड़ा था, और पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से इन्होंने लोन नहीं लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने दिया, बिजली में कुछ भी नए आधार नहीं लाने दिए, उसके कारण से 2020-21 में पुनः डिस्कॉम घाटे की स्थिति में आ गया और टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस दिसंबर 23 में 1,01,215 करोड़ रुपए था, जबकि 2018-19 में डिस्कॉम को प्रॉफिट में छोड़ा गया था करीबन 2,607 करोड़ रुपए राशि के साथ। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके का मिसमैनेजमेंट करते हुए, जिस तरीके का भार डिस्कॉम को लेकर, हमारे विद्युत को लेकर ये कांग्रेस की सरकार छोड़ कर गई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने इतने कम समय में PSU से MOU कर नए आदेश जारी करे हैं, जिससे डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हमारी सरकार राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निरंतर जो कार्य कर रही है, उसके अंदर करीबन 2,25,00,000 रुपए के MOU किए जा चुके हैं। अब इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2,00,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन DLC दर के 7.5% पर किया जा सकता
सकेगा। अब 2 हेक्टर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है पीएम सूर्य घर योजना, जिससे 40% सब्सिडी डोमेस्टिक यूसेज के लिए मिलेगी, मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बिजली की दरों को और लोगों को बिजली के मैटर में स्वावलंबी बनाने का काम करा है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुई, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी की जो बात हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी दिया जी ने रखी है, उन्होंने जो बात इस बजट में पेश करी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिसी होगी, एक जो उनका की पॉइंट है, एक जहां से वो अर्न कर सकते हैं उसको हम प्रमोट करेंगे, जैसे कि मेरे राजसमंद में टेराकोटा, बाड़मेर में ब्लॉक प्रिंटिंग, कोटा डोरिया की साड़ी के लिए कोटा जालोर, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्ञापित करती हूँ कि अब राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के माध्यम से उद्योग में नया आवाम में आएगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से युवा अटल केंद्र, जो युवा इनोवेशन सेंटर्स रखे गए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि करीबन 100 करोड़ रुपए के फंड्स से आई स्टार्ट फंड, माननीय सभापति महोदय, आई स्टार्ट फंड में 10 करोड़ रुपए की फंडिंग की जो सुविधा उपलब्ध कराई है, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये सोचा कि युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर और किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, और जो इनिशियल उसको मदद चाहिए वो हमारी सरकार उसको प्रोवाइड करना करेगी। माननीय सभापति महोदय, एक और बहुत बड़ी घोषणा जिसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस बजट में, वो ये है कि जिस तरीके से टीएसपी फंड्स को बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिए गए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि किस तरीके से पट्टे, सामुदायिक पट्टों के द्वारा कम्युनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी, एग्रोफॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य कराए जाएंगे, इससे टीएसपी क्षेत्र में सारी मदद मिलेगी। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आप लोगों ने किया है, सरकार ने किया है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर्स अपनी देनगी पूरे दिन काम कर कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे लिए कहीं कोई सरकार ने कभी कुछ नहीं करा, तो जो स्वनिधि योजना आपने दी है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पर जिस तरीके से प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स को आप लोगों ने सहायता दी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत सारी बातें महिला अपराधों के लिए भी की गई, हमने भी पिछली सरकार में इस मुद्दे को बहुत बार उठाया, पूरे देश में राजस्थान की महिलाएं असुरक्षित थी, ये बहुत बार अलग अलग पेपर्स में अलग अलग सर्वेस के माध्यम से आया गया, राजस्थान में जिस तरीके से अपराध फैला हुआ था ये सब ने देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने फंड्स देकर पुलिस के अंदर 5,500 नए पद दिए, जिससे कि इस स्टेट की सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं और काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, अपराधों की बात, साइबर क्राइम की बात, पेपर लीक की चोरी की बात इस सदन में बहुत बार उठी, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपना पदभार संभालते ही करीबन 100 से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर पहुंचाया इस पेपर लीक प्रकरण में, साइबर से जो धोखाधड़ी हो रही है उसमें भी उन्होंने सुचारू रहकर बहुत सारे काम करे हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें अलग अलग सब कहते हैं कि हमने ये काम किया, लेकिन ये बजट जो पेश किया गया है ये वाकई में हर वे में होलिस्टिक बजट है, हर तरीके से सब जनों को सुविधा देने का बजट है। मैं ये बात आपके माध्यम से वापस से इस सदन में कोट करना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शासन सुशासन के संबंध में कहा था, हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं, हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है, हमने तुष्टिकरण नहीं बल्कि
संतुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है। माननीय सभापति महोदय, इसके रहते जिस तरीके से रोड सेफ्टी की बात कही गई इस बजट में, जिस तरीके से रोड सेफ्टी के लिए अलग अलग आयाम लिखे गए हैं, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, एक और बात ज़रूर मैं आपके माध्यम से इस सदन के पटल पे रखना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान, एक बड़ा मिशन हरियालो राजस्थान के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का काम करा की घोषणा करी है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को। हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच कि एक पेड़ अपने माँ के नाम, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, उस सोच से प्रेरणा लेते हुए ये काम राजस्थान में होगा और मेरे क्षेत्र में तो इस काम से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि माइनिंग एरिया होने की वजह से हमारे यहाँ पर हरियाली की जो कमी है उसकी वजह ये हरियालो राजस्थान हमें उसमें मदद करेगा। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री महोदय को कि उन्होंने राजसमंद विधानसभा में गिलून को तहसील बनाने का काम करा है, जिससे हमारे को उस एरिया में नए विकास के कार्य भी मिल पाएंगे। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि खारी फीडर की एक बड़ी डिमांड जो राजसमंद ने देखी है, यहाँ के किसानों ने देखी है, उसके लिए भी आप लोगों ने जो सहायता करी है 150 करोड़ रुपये की, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, सड़क में हम सब जानते हैं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी प्रदेश को सही रूप में डेवलप नहीं करा जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो सोच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने पूरे देश में रखी थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से सड़क में और परिवहन में एक बड़े बजट की घोषणा की गई है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में करीबन 600 अरब रुपयों की लागत से 53,000 किलोमीटर की लंबाई के सड़क नेटवर्क बनाने की जो महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी। 9,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रादेशिक राजमार्गों, सड़कों के साथ ही बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज आदि के कार्य करवाने की जो घोषणा की गई थी, उसका भी जो घोषणा की गई है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात, बोलने को तो बहुत कुछ है क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मिला है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया गया है, लेकिन मैं अंत में, माननीय सदस्य 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए एक ही बात कहूंगी कि पिछली सरकार ने प्रदेश को दिए थे बहुत सारे मर्ज, अपराध, अत्याचार और राज्य पर बहुत सारा कर्ज। प्रदेश में पूरे 5 साल तक चला सिर्फ अपराधी दौर, पनप रहा था भूमाफिया, भ्रष्ट तंत्र और पेपर चोर। अब जनता बेफिक्र रहे, बीत गया वो अपराधी दौर, अब पकड़े जा रहे हैं पेपरबाज, हुए सरेंडर साइबर चोर, क्योंकि अब उन सभी मर्ज का इलाज तय है, राजस्थान के नव निर्माण का आगाज तय है, अब राजस्थान का सदा सतत आगे बढ़ना तय है, हमारे राजस्थान का विकास के आयाम गढ़ना तय है, हमारे राजस्थान का विकास के आयाम गढ़ना तय है। जय जय राजस्थान, जय जय श्री राम। श्री रोहित